Guys, now we will discuss the topic of diodes. Diodes are one of the main building blocks of electronic circuits. So we will first quickly review our basic concepts of diodes before going further depth in electronic circuit design. So diodes, when the diode is forward biased diode, जो है basically एक one way device है जो कि एक direction में conduct करता है, ठीक है? तो when the diode is forward biased, it begins to conduct with only a small voltage across it. जिसको फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप बोलते हैं, ठीक है? अच्छा, आई विल बी डिस्कसिंग द सर्किट्स पॉइंट ऑफ व्यू। मैं इसकी बहुत ज़्यादा थ्योरी में, फिजिक्स में नहीं जाऊँगा, क्योंकि फिजिक्स इज़ नॉट द आवर हमारा बिजनेस नहीं है। फिजिक्स वो साइंटिस्ट का बिजनेस है, हमारा बिजनेस है इंजीनियरिंग, यानी वी हैव टू यूज़ दिस थिंग्स। सो साइंटिस्ट टेल अस द थ्योरी, बट इंजीनियर्स मेक यूज़ ऑफ द डिवाइसेस, ठीक है? हमारा जो कंसर्न है वो इसके यूज़ के साथ है, ठीक है? व्हेन द डायोड इज़ फॉरवर्ड बायस्ड, जब ये फॉरवर्ड बायस्ड हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस से क्या मुराद है कि उसका उसके दो टर्मिनल्स होते हैं डायोड के ना, एनोड और कैथोड। एनोड मस्ट बी एट हायर पोटेंशियल दैन द कैथोड। हाउ मच, ये आइडियली तो ये थोड़ा सा ज़्यादा हो, लेकिन प्रैक्टिकली ये फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप होता है, ठीक है, जो कि 0.7 वोल्ट होता है नॉर्मली। आगे हम देखेंगे इससे ज़्यादा होने चाहिए। जब ये उससे ज़्यादा हो जाएंगे तो आपका डायोड फॉरवर्ड बायस्ड हो जाएगा, ठीक है, और ये कंडक्ट करना शुरू कर देगा। यानी ये आप इसको यूँ समझ लें कि ये स्विच है। आइडियली इसको आप, ये आइडियली मैं कह रहा हूँ, प्रैक्टिकली तो नहीं, आइडियली ये एक स्विच है। यानी एक स्विच है जो कि ऑन ऑफ होता है। ऑन कब होगा स्विच? जब एनोड पे वोल्टेज जो है कैथोड के निस्बत ज़्यादा होंगे, तो ये स्विच क्लोज हो जाएगा। अदरवाइज ये स्विच ओपन रहेगा। स्विच ओपन होगा तो सर्किट क्लोज नहीं होगा, सर्किट आपका मतलब डिसकनेक्टेड फॉर्म में रहेगा। व्हेन द डायोड इज़ रिवर्स बायस्ड, ओनली ए नेग्लिजिबल स्मॉल लीकेज करंट, जो कि माइक्रो एम्पियर्स में होता है थ्रू द डिवाइस, ये इसको लीकेज करंट बोलते हैं, ठीक है? ये बहुत लीकेज होता है, ये मतलब बहुत नेग्लिजिबल होता है, अंटिल द रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज इज रीच्ड। अगर आप नेगेटिव वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे ना, तो ये नहीं कि इस पर जितना मर्जी आप नेगेटिव वोल्टेज दें, एक खास लिमिट के ऊपर ये आपका डिवाइस डैमेज हो जाएगा, ठीक है? उसको बोलते हैं रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, ठीक है, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। अब इन नॉर्मल रिवर्स बायस वोल्टेज शुड नॉट रीच दी इन नॉर्मल ऑपरेशन रिवर्स बायस वोल्टेज शुड नॉट रीच दी ब्रेकडाउन रेटिंग, ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए। अच्छा, फिर आते हैं जिन डायोड की आई वी करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, ठीक है? आई द करंट थ्रू द डायोड एंड वी डी इज़ द वोल्टेज अक्रॉस द डायोड। तो ये उसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं। इसमें आप देखें कि जब वोल्टेज अक्रॉस द डायोड, यानी इसमें वी डी क्या है, वी डी का पॉजिटिव जो पॉइंट है वो एनोड पे है, और नेगेटिव पॉइंट आपका कैथोड पे है, ठीक है? सर्किट एनालिसिस में भी जो प्लस का मतलब ये होता है कि पॉइंट एट हायर पोटेंशियल, एंड माइनस मीन्स पॉइंट एट लोअर पोटेंशियल। तो वी डी जो है हम कैसे ले रहे हैं कि प्लस ए से कंसिडर कर रहे हैं और माइनस कैथोड से कंसिडर कर रहे हैं। अच्छा, अब इसमें देखें कि जैसे ही वो वी एफ को रीच करता है, वी एफ इज़ द फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है? फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप क्या है आपका? फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप 0.7 वोल्ट्स अगर आप अज्यूम करें, तो 0.7 के बाद ये डायोड आपका फॉरवर्ड बायस्ड हो जाता है। यानी ये एज अ स्विच बिहेव करता है, और इसमें से करंट जो है वो आपका इंक्रीज कर रहा है, ठीक है? उसके बाद आता है जनाब रिवर्स बायस रीजन। रिवर्स बायस रीजन में क्या है कि आपका वोल्टेज नेगेटिव है, ठीक है? आपका एक मिनट। सो इन द रिवर्स बायस कंडीशन द करंट विल नॉट पास थ्रू द डायोड। ये यानी यहाँ पे ओपन सर्किट है, यानी ओपन सर्किट आपका ओपन हुआ हुआ है, बट आप बढ़ाते जा रहे हैं वोल्टेज, बढ़ाते जा रहे हैं, फिर ये देखें ये सिंबल का शो करता है कि बहुत मतलब ये बहुत आगे वैल्यू को पीछे लेकर आया हुआ है। तो ये शो ये कर रहा है कि डॉटेड पॉइंट, मतलब ये शो कर रहा है कि बहुत ज़्यादा वोल्टेज आपने और बढ़ा दी है, बढ़ा दी, बढ़ा दी, बढ़ा दी है, बढ़ा दी है, ठीक है? अब यहाँ पे आप वी रेटेड पे पहुँच गए, यानी इसकी लिमिट पे पहुँच गए। अब इससे ज़्यादा अगर आपने नेगेटिव बढ़ा दिया ना, तो ये डायोड ही आपका डैमेज हो जाएगा। इसे बोलते हैं रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन। अच्छा, नॉर्मल जो डायोड होते हैं वो यहाँ पे ब्रेकडाउन हो जाएगा, लेकिन एक डायोड होता है जीनर डायोड, ठीक है? वो एज अ रेगुलेटर यूज़ होता है, और वो इसी रीजन में यूज़ होता है। उसको आप नेगेटिवली वोल्टेज देते हैं, और फिर उस इस रीजन में वो काम करता है। ये हम आगे देखेंगे, जीनर डायोड इसको बोलते हैं। अच्छा, अब डायोड की जो आइडियल करेक्टरिस्टिक्स हैं वो इस तरह की होंगी कि आइडियल में क्या होगा कि जस्ट वोल्टेज जैसे ही पॉजिटिव होगा, वी एफ इसमें, ये आइडियल डायोड है, तो इसमें करंट आपका ज़्यादा होगा, और जैसे ही इसका वी डी नेगेटिव होगा, तो आपका करंट जो है वो आपका ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगा। मतलब आपका वोल्टेज जैसे ही आप इसमें नेगेटिव अप्लाई करेंगे, तो आपका करंट ज़ीरो हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक मिनट,
नाउ दिस इज द सर्किट ऑफ दी ये डायोड के थ्रू जो है हम इस सर्किट को कंट्रोल कर रहे हैं। और इसमें जो है आप देखें जो लेफ्ट पे है ये है रिवर्स बायस। रिवर्स बायस का क्या मतलब है कि जो नेगेटिव साइड है वो एनोड के साथ कनेक्टेड है एनोड, और पॉजिटिव साइड कैथोड के साथ है। यानी आप इसमें कैथोड इज़ एट हायर पोटेंशियल देन दी एनोड। तो ये डायोड क्या होगा, रिवर्स बायस्ड होगा, यानी ओपन सर्किट होगा। तो ये जो स्विच होगा ये ओपन होगा। जब स्विच ओपन होगा तो आपकी जो ये लाइट है, ठीक है, ये आपके लोड इसको बोलते हैं, ये लोड आपका जो है ना ये ऑफ रहेगा। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या है, फॉरवर्ड बायस्ड। उसमें आप देखेंगे फॉरवर्ड बायस्ड में क्या होगा कि ये जो प्लस है सप्लाई का ये इसके एनोड के साथ कनेक्टेड है, यानी एनोड इज़ एट हायर पोटेंशियल देन दी कैथोड। तो उसमें क्या होगा कि आपका जो ये स्विच है ये क्लोज हो जाएगा और ये एलईडी आपकी चल जाएगी। ये देखें रेड शो कर रहा है इसका साइन ना। नॉर्मली वैसे होता ये है कि सिंबल होते हैं ग्रीन जो कलर होता है ना वो आपका शो होता है रनिंग के लिए, और रेड आपका जो कलर होता है ना वो ऑफ होने के लिए शो होता है। लेकिन यहाँ पे आप कलर को ना देखें, आप जस्ट कॉन्सेप्ट देखें कि आपका जो लैंप है वो कैसे आपका ऑन और ऑफ हो रहा है, ठीक है। तो अच्छा आगे चलते हैं, इसमें फर्दर रिवर्स बायस के एग्जांपल्स हैं ये। लेकिन जैसे ये रिवर्स बायस है सारे, वन नंबर को देखें आप, इसका जो कैथोड है वो हायर पोटेंशियल पे कनेक्टेड है, तो ये रिवर्स बायस होगा, यानी ओपन सर्किट है, ठीक है। टू पर आ जाएं, टू पे आपका एनोड जो है वो नेगेटिव से कनेक्टेड है, तो ये भी रिवर्स बायस होगा। थ्री पे आप आ जाएं, थ्री पे आपका जो एनोड है वो ग्राउंडेड है और कैथोड इज़ एट हायर पोटेंशियल, तो ये भी रिवर्स बायस होगा। फोर्थ में आप आ जाएं कि आपका जो एनोड है वो -V से कनेक्टेड है और माइनस ग्राउंड है, लेकिन आपका जो एनोड है इट इज़ मोर नेगेटिव, ठीक है। मोर नेगेटिव का मतलब ये है कि ये ज़्यादा ग्राउंड पर एज एट हायर पोटेंशियल, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी रिवर्स बायस है आपका ना। जैसे आपका ये -5 है और ये 0 है, तो -5 0 से कम ही है ना, तो एनोड कम पोटेंशियल पे है कैथोड से, तो इस वजह से ये रिवर्स बायस ही कहलाएगा। अच्छा, अब इसको मल्टीमीटर से आपने कैसे चेक करना है, ये आपके पास मल्टीमीटर है, तो इसमें जब आप इसकी रेड पिन को आप एनोड पर रखते हैं, ब्लैक को कैथोड पर रखते हैं, तो आपको 0 ओम मिलते हैं। डीएमएम मींस डिजिटल मल्टीमीटर। और अगर आप रिवर्स कर दें इसको, यानी ब्लैक को आप एनोड पर रख दें, रेड को आप कैथोड पर रख दें, तो आपको इन्फिनिट ओम मिलेंगे। तो ये इसकी एक टेस्टिंग है कि जिसमें आप इसका एनोड और कैथोड चेक कर सकते हैं कि इसका एनोड क्या है और कैथोड क्या है। वैसे तो ये डायोड पे एक सिंबल बना होता है, उसमें निशान बना होता है, उससे भी आप उसकी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि कौन सी साइड एनोड है और कौन सी साइड कैथोड है। अच्छा, अब इसमें आप देखें कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अब फॉरवर्ड बायस में आप देखें ज़रा, फॉरवर्ड बायस में अब इसमें हम अज्यूम कर रहे हैं कि 0.6 वोल्ट आपका VF है, मतलब नॉर्मली सिलिकॉन में 0.7 होता है, लेकिन इसमें हम अज्यूम करेंगे 0.6 है। अब इसमें आप देखें फॉरवर्ड बायस जो है, आप ऊपर पहले पहले देखें ये 0.6 इज़ एट हायर पोटेंशियल दैन 0 वोल्ट, तो ये फॉरवर्ड बायस्ड है। दूसरे वाले में क्या है, 2.6 है और ये 2 है, ये भी फॉरवर्ड बायस्ड है। 5.6 है, 5 है, ये भी फॉरवर्ड। अब इसमें जो पॉइंट नोट करने वाला है ना वो ये है कि कैथोड 0 नहीं है सब में। इसमें कैथोड पे 2 वोल्ट आ रहे हैं, यहाँ 5 वोल्ट आ रहे हैं, यहाँ -10 वोल्ट आ रहे हैं, तो इसमें कैथोड आपका 0 पे नहीं है। दिस इज़ नॉट नेसेसरी कि ये 0 पे हो। नेसेसरी क्या चीज़ है कि एनोड कैथोड से हायर पोटेंशियल पे हो। जैसे यहाँ पे 2 है तो यहाँ 2.6 है तो ये कंडक्ट करेगा, यहाँ 5 है तो यहाँ 5.6 है तो ये कंडक्ट करेगा, यहाँ -10 है तो यहाँ पे क्या है, -9.4। -9.4 इज़ बिगर देन -10, ठीक है, ये लेस नेगेटिव है और ये मोर नेगेटिव है, ये भी कंडक्ट कर जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आ सकता है आपको इस तरह का कि बताएंगे जी फॉरवर्ड बायस्ड है या रिवर्स बायस्ड है। हम तो खैर इसको सर्किट में डिज़ाइन में यूज़ करेंगे, तो उससे ये कॉन्सेप्ट आपका चेक हो जाएगा कि यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। अच्छा, फिर अब रिवर्स बायस की एग्जाम्पल आप देख लें कि इसमें ये 5 वोल्ट है लेकिन नीचे कितना है कैथोड पे, 5.6 है, तो ये भी रिवर्स बायस्ड है। अब इसकी एग्जाम्पल आप देखें कि एनोड पे वोल्टेज हैं लेकिन कम है कैथोड से, तो ये रिवर्स बायस है। इसमें भी देखें 5 है और ये 6 है, रिवर्स बायस्ड। 5 है, 0 है, रिवर्स बायस्ड। -4 है, ठीक है, लेकिन यहाँ -6 है, ठीक है, ये भी रिवर्स बायस होगा क्योंकि -4 इज़ बिगर देन -6, सो ये आपका कैथोड विल बी एट हायर पोटेंशियल देन दी एनोड, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएगा। तो ये हमने जनाब अब अपना कॉन्सेप्ट क्लियर किया कि फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस सर्किट में कैसे देखते हैं, और बेसिकली ये एज अ स्विच जो है वो इसकी हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बाकी इसकी मॉडल्स हम देखते हैं आगे।
अच्छा, ये इसके आईवी करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये भी हम डील कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें आप देखें, इसको बोलते हैं, अच्छा ये जो है ना पोटेंशियोमीटर कहलाता है। पोटेंशियोमीटर के तीन टर्मिनल होते हैं, 1, 2, 3। 1 और 3 जो है वो सप्लाई के साथ आपने कनेक्ट किए होते हैं, और 2 और 3 से आप आउटपुट लेते हैं, यानी आप आउटपुट लेंगे। तो ये आउटपुट, ये आपके वोल्टेज डायोड को जाएंगे। ये वी डी है, ये एक्स एक्सिस पे जो वी डी है वो ये वाला वोल्टेज है जो डायोड के क्रॉस आपने लगाया हुआ है। ये मतलब एनोड है और कैथोड इसका ग्राउंड हो रहा है। और ए आपने जो है ना इस पाथ में लगाया, क्योंकि यू हैव टू मेजर द करंट थ्रू द डायोड। तो ये देखें, एम मीटर को हमने सीरीज में लगाया हुआ है और वोल्ट मीटर को हमने पैरेलल में लगाया हुआ है। ये रूल है, ये हमें पता है कि ये रूल होता है कि हमने जहाँ भी वोल्टेज मेजर करने होते हैं हम उसके पैरेलल में वोल्ट मीटर लगाते हैं, और वोल्ट मीटर की जो रेजिस्टेंस होती है इंटरनल वो मैक्सिमम होनी चाहिए, ताकि ताकि वो डिस्टर्ब ना करे आपकी सर्किट की रेजिस्टेंस को। और एम मीटर को हम क्या करते हैं, सर्किट के सीरीज में लगाते हैं, और उसकी रेजिस्टेंस बहुत कम होनी चाहिए, ताकि वो सर्किट के रेजिस्टेंस के साथ एडअप चूंकि वो हो रही होती है तो उसको वो डिस्टर्ब ना करें। तो ये एक रूल है जो कि आप इंस्ट्रूमेंटेशन के जो कोर्स है उसके अंदर भी ये रूल पढ़ेंगे कि वोल्ट मीटर और एमीटर की स्पेसिफिकेशंस आप पढ़ेंगे। तो इसमें आप देखें, एक एमीटर लगा हुआ है जो कि करंट मेजर कर रहा है, और एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है। डायोड इज़ अ नॉन लीनियर डिवाइस। अच्छा, ये जो डिवाइस है ना ये नॉन लीनियर है। लीनियर का मतलब ये होता है कि जितनी आप इनपुट दे रहे हैं उतनी आपको आउटपुट मिले, यानी अगर आप यहाँ पे स्ट्रेट लाइन अगर आपको मिलती है तो ये एक लीनियर डिवाइस होता है। यानी आप वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं तो आपका करंट भी बढ़ता जा रहा है और लीनियरली बढ़ रहा है। मतलब जितना वोल्टेज बढ़ाते हैं उतने परसेंट, जितने परसेंट वोल्टेज आपने बढ़ाया उतने परसेंट आपका करंट भी बढ़ा। इसको कहते हैं लीनियर डिवाइस, यानी परसेंटेज डेल्टा एक्स, यानी डेल्टा एक्स में जितना आप चेंज करते हैं आपका डेल्टा वाई भी उतना ही परसेंट चेंज हो, यानी डेल्टा वाई इज इक्वल टू एम इंटू डेल्टा एक्स। ये है लीनियर इक्वेशन, यानी वो लीनियर डिवाइस कहलाते हैं। लेकिन ये एक नॉन लीनियर है। देखे ना, आप वोल्टेज आपने 0.7 तक बढ़ाए हैं, ठीक है, उसके बाद आप वोल्टेज बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन डायोड के क्रॉस वोल्टेज 0.7 ही रहेंगे, जो उसके क्रॉस है ना वो 0.7 ही आपको मिलेंगे। तो ये एक, इसे आप सैचुरेशन भी कह सकते हैं कि एक सैचुरेट हो गए हैं वोल्टेज, उसके क्रॉस होते ही इतने तो वोल्टेज सैचुरेट हो गए हैं, ठीक है, करंट बढ़ रहा है। तो ये एक नॉन लीनियर डिवाइस की प्रॉपर्टी है। इसी तरीके से वोल्टेज नेगेटिव में आपने बढ़ाए 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 बढ़ाए, उसमें से ऑलमोस्ट जीरो ही है करंट, लेकिन एकदम क्या हुआ कि ब्रेक डाउन पर पहुँच के करंट एकदम शूट कर गया, ठीक है। तो ये एक नॉन लीनियर डिवाइस है। तो डायोड इज़ अ नॉन लीनियर डिवाइस एंड टिपिकली लीनियर सर्किट एनालिसिस मेथड्स डू नॉट अप्लाई। तो इसमें हम लीनियर सर्किट के जो मेथड्स हैं वो नहीं अप्लाई कर सकते। अच्छा, फिर डायोड की करेक्टरिस्टिक्स आती हैं। स्मॉल सिग्नल डायोड से हमने पढ़ा हुआ है, तो ये करंट, ये उसका नी पॉइंट कहलाता है, ठीक है, ये 0.7 वोल्ट होते हैं नॉर्मली, और ये नैनो एम्पेयर के अंदर जो है रिवर्स करंट, और ये -100 वोल्ट। ये एक खास डायोड है जिसके उन्होंने दिया हुआ है स्पेसिफिकेशंस। अच्छा, उसकी इक्वेजन क्या होती है, ये आपने एडीसी में पढ़ी हुई है। आई डी इज इक्वल टू आई एस एक्सपोनेंशियल ऑफ वी डी ओवर एन वी टी -1। वी डी इज़ दी वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द डायोड, वी टी इज़ दी वोल्टेज, इसकी खास वैल्यू होती है। वी टी इज इक्वल टू के टी ओवर क्यू टी इज द टेम्परेचर, ठीक है, क्यू जो है वो आपका इसमें एक कॉफिशेंट है। अच्छा, इसमें आप देखें एन जो है 1 से 2 तक रखते हैं, वी टी आपका 26 मिली वोल्ट है, लेकिन आप शायद 25 पढ़ा होगा मुख्तलिफ बुक्स में, ये थोड़ा सा वेरिएशन है इसकी। व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग द नी वोल्टेज वी नी डिक्रीजेज बाय 2 मिली वोल्ट पर केल्वन। ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना तो आपका जो नी वोल्टेज है ये कम हो जाएगा थोड़ा सा, यानी आपका डायोड जल्दी ब्रेक डाउन होगा। टेम्परेचर का इफेक्ट होता है आपके इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर ना, कि आप अपने इंस्ट्रूमेंट्स को किन एनवायरनमेंट में यूज़ कर रहे हैं, हाई टेम्परेचर पे यूज़ कर रहे हैं या उनको आप लो टेम्परेचर पे यूज़ कर रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी टेम्परेचर। अच्छा, अब उसके बाद एक और एप्लीकेशन देखी थी जीनर डायोड की। एक एप्लीकेशन कल मैंने आपको बताई थी डायोड की, रिवर्स पोलैरिटी, यानी अगर आपको ख़तरा हो कि जहाँ पे आपके कनेक्शन रिवर्स आप लगा सकते हैं तो आप वहाँ डायोड लगा दें, क्योंकि डायोड ने कंडक्ट ही तभी करना है जब उसका एनोड पॉजिटिव होगा कैथोड से। तो डायोड याद रखिएगा एज अ रिवर्स पोलैरिटी प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होता है, जिसको आप रिवर्स पावर प्रोटेक्शन भी कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की। अच्छा, ये क्वेश्चन आ सकता है आपको एग्जाम के अंदर एक छोटा सा, कि जिसमें मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि इसकी प्रोटेक्शन का कोई क्वेश्चन आपको दे सकता हूँ। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, रिवर्स पोलैरिटी प्रोटेक्शन इसे कहेंगे। अच्छा, अब दूसरा है जीनर डायोड। जीनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर यूज़ कर सकते हैं हम, लेकिन आजकल स्टैंडर्ड जो है LM7805 ट्रांजिस्टर बेस्ड रेगुलेटर यूज़ करते हैं। 7805 होता है 5 वोल्ट वाला, इसके अलावा 7812 होता है 12 वोल्ट वाला। देखिए, इन रेगुलेटर का मकसद ये होता है कि कांस्टेंट वोल्टेज हमें चाहिए होता है। अब जैसे मिसाल के तौर पे आपकी गाड़ी चला रहे हैं, आप गाड़ी की जो बैटरी है आपको कांस्टेंट 12 वोल्ट चाहिए ना गाड़ी के अंदर। अगर कभी वो 11 हो रही है, कभी वो 13 हो रही है,
कभी वो 10 हो रही है, तो इस तरह तो आपके डिवाइसेज ही ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि जैसे आपका वोल्टेज कम होगा तो जो डिवाइस होगा, जैसे उसको 12 वोल्ट पे चलती है और 1 एम्पेयर लेती है, अगर उसको आप 10 वोल्ट पे चलाएंगे ना, वो करंट ज़्यादा खींचेगी। क्यों क्यों क्योंकि पी इज इक्वल टू वी आई, पावर जो होती है ना वो किसी भी लोड की कांस्टेंट होती है। अगर आपका वोल्टेज कम होगा तो आपका करंट बढ़ जाएगा, अगर करंट बढ़ गया तो आपका आई स्क्वायर आर लॉसेज बढ़ जाएंगी, आपकी जो वायर्स होंगी सर्किट की वो हीट अप हो जाएंगी। तो एक ऑटोमोबाइल का जो सर्किट होता है, वो भी हम एक एग्जाम्पल के तौर पर करेंगे, जिसमें हम जो गाड़ियों का सर्किट होता है उसको डिज़ाइन करना जो है वो हम इंशाल्लाह ताला उसको करेंगे, लेकिन आफ्टर सम टाइम कोर्स में, ज़रा डेप्थ में जाने के बाद। तो ज़ीनर डायोड का काम क्या होता है कि ये कांस्टेंट वोल्टेज देता है आउटपुट, यानी इसकी ज़ीनर की जो इनपुट होगी इट कैन बी वेरिएबल, बट जो ज़ीनर की आउटपुट होगी वो हमेशा एक कांस्टेंट होगी। यानी 5 वोल्ट का ज़ीनर है तो 5 वोल्ट कांस्टेंट देगा, रिगार्डलेस कि आप इससे ज़्यादा करंट लेते हैं कम करंट लेते हैं। ऐसे होता है ना, जैसे एक वोल्टेज सोर्स है, अगर आप उससे ज़्यादा करंट खींचे तो वो उसके वोल्टेज बैठ जाते हैं, यानी वोल्टेज कम हो जाते हैं। इसी तरीके से अगर वोल्ट आप उस पर लोड कम लें तो उसके वोल्टेज बढ़ जाते हैं। तो ये वोल्टेज की वेरिएशंस को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमारे जो लोड हैं वो इन वेरिएशंस को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो उसका हल क्या है कि हमें वी नीड रेगुलेटर्स, क्या कहते हैं उसको, रेगुलेटर, ठीक है। तो ज़ीनर डायोड इज़ अ टाइप ऑफ डायोड दैट परमिट्स द करंट ओनली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन लाइक अ नॉर्मल डायोड, बट ऑल्सो इन द रिवर्स डायरेक्शन इफ द वोल्टेज इज लार्जर देन द ब्रेकडाउन वोल्टेज, दिस इज़ नोन एज ज़ीनर वोल्टेज। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ये ज़ीनर इस रीजन में काम कर रहा होता है, रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन के अंदर। तो इसमें इस रेजिस्टेंस का डिज़ाइन होता है, ये भी हम एक क्वेश्चन करेंगे, जिसमें ये रेजिस्टेंस हम डिज़ाइन करेंगे कि हमने एक रेगुलेटर डिज़ाइन करना होगा और एक हमारा आउटपुट का करंट होगा, उसके अकॉर्डिंगली हम ये रेजिस्टेंस डिज़ाइन करेंगे, ये कितनी वैल्यू की रेजिस्टेंस यहाँ पे लगानी है। जैसे हमने कल इंडक्टेंस डिज़ाइन का एक न्यूमेरिकल किया, कैपेसिटर का किया, तो इस तरह से हम रेजिस्टेंस डिज़ाइन का भी जो है वो एक न्यूमेरिकल आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा, फिर डायोड के कुछ मॉडल्स होते हैं, ठीक है। सबसे जो सिंपल मॉडल है वो है आइडियल डायोड मॉडल। आइडियल क्या डायोड होता है कि जिसमें या तो डायोड कंडक्ट कर रहा है, ठीक है, या डायोड जो है वो आपका यानी फॉरवर्ड बायस्ड है, तो वो मतलब फॉरवर्ड बायस्ड है डायोड या रिवर्स बायस्ड है, यानी या वो कंडक्ट कर रहा है इस रीजन के अंदर, इस क्वाड्रेंट के अंदर, ठीक है, या वो कंडक्ट नहीं कर रहा, ठीक है, यानी स्विच के तौर पे हम उसको मॉडल कर सकते हैं। अब इसको जो है मैंने ज़रा फुल स्क्रीन कर दिया। अब इसमें देखें फॉरवर्ड बायस में क्या है कि आपका जो है या तो वो कंडक्ट कर रहा है या रिवर्स बायस है, कंडक्ट नहीं कर रहा, ये क्या सिचुएशन, इसको कहते हैं स्विच, दिस इज़ दी स्विच प्रॉपर्टी। स्विच क्या होता है, आप कमरे का भी स्विच ऑन करते हैं, मतलब उसको प्रेस करते हैं, एक्चुएटर कहते हैं इसको, एक्चुएट, यानी हम उसको जब प्रेस करते हैं, एक्चुएट करते हैं, तो वो कंडक्ट करता है। और आइडियल स्विच की क्या प्रॉपर्टी होती है कि उसकी रेजिस्टेंस जीरो होती है, यानी वो सर्किट की रेजिस्टेंस में कोई भी अपनी रेजिस्टेंस ऐड नहीं करता। और जो ओपन स्विच होता है आइडियली, वो क्या होता है कि वो उसकी इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होती है, यानी अगर वो ओपन हो जाए तो वो सर्किट की रेजिस्टेंस ही इनफाइनाइट कर देगा और उसमें से करंट ही फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि वी इज इक्वल टू आई आर और आई इज इक्वल टू वी ओवर आर। आर अगर जो है वो आपकी जीरो कर दें तो करंट इनफाइनाइट हो जाएगा, और अगर आप आर उसका इनफाइनाइट कर देंगे तो आपका करंट जो है वो जीरो हो जाएगा, ठीक है, सिंपल ओम चलाओ। अब इसमें देखें डायोड का जो ये सिंपल सा मॉडल था, जिसमें क्या था, आइडियल डायोड मॉडल इसको कहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल मॉडल थोड़ा सा डिफरेंट है। अब ये देखें, ये एक प्रैक्टिकल मॉडल बता रहे हैं जिसमें क्या है कि डायोड जब फॉरवर्ड बायस होता है तो उसमें एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जिसको पोटेंशियल बैरियर बोलते हैं ना, VF, और ये अगेंस्ट होता है इस सप्लाई के, यानी अगर आपकी 12 वोल्ट की सप्लाई है और ये 0.7 वोल्ट सिलिकॉन वाला ये डायोड है, तो यहाँ पे आपको जो मिलेंगे आउटपुट पे, आउटपुट रेजिस्टेंस अगर आपकी लोड है तो रेजिस्टिव लोड पे आप जो आपको आउटपुट मिलेगी वो आपको 11.3 वोल्ट मिलेंगे। क्यों, 0.7 वोल्ट आपके माइनस हो रहे हैं। कैसे माइनस हो रहे हैं, जो मेन सप्लाई के वोल्टेज है उससे माइनस हो जाते हैं। देखेंगे ये प्लस इस प्लस के सामने आ जाता है ना, तो प्लस प्लस को निगेट करता है। जैसे आप एक टॉय के अंदर दो सेल कनेक्ट कर दें, ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ कर दें, तो वो टॉय नहीं चलता, तो क्योंकि वो दोनों सेल 1.5 वोल्ट के जो होते हैं वो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होते हैं। तो सोर्सेज अगर आपने सीरीज में लगाए हैं दो, तो उनकी पोलैरिटी डिफरेंट होनी चाहिए, जिसकी वजह से वो आपस में ऐड अप होंगे, ठीक है। तो ये आपका जनाब प्रैक्टिकल मॉडल है कि जिसमें आपकी फॉरवर्ड बायस में VF आ जाता है और रिवर्स बायस में जो है ना ये ओपन है, यानी इसके रिवर्स करेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल वैसी हैं जैसे आइडियल जैसी है, लेकिन फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक थोड़ी सी आगे चले गई, यानी ओरिजिन से थोड़ा सा राइट को मूव कर गई है 0.7 वोल्ट, ठीक है। अच्छा,
कंप्लीट डायोड मॉडल, ये है सही मॉडल जिसे कहते हैं कंप्लीट डायोड मॉडल। इसमें क्या होगा कि फॉरवर्ड बायस में जब होगा तो वोल्टेज भी आएंगे और एक फॉरवर्ड रेजिस्टेंस भी ऐड हो जाएगी जिसको RD- बोलते हैं। यानी हर डिवाइस की याद रखिएगा कि अपनी रेजिस्टेंस होती है, इवन जो आप वायर्स भी कनेक्ट करते हैं ना रेजिस्टेंस के लिए और आगे जो भी आपने सर्किट में लगाई हुई चीज़, उन वायर्स की भी रेजिस्टेंस होती है तो वो भी सर्किट में ऐड हो रही होती है। प्रैक्टिकली उसको भी हम कंसिडर करते हैं, हम न्यूमेरिकल करेंगे एक ना। तो इसमें जो है आप देखें प्रैक्टिकल डायोड में क्या होगा कि इसकी अपनी रेजिस्टेंस भी इस रेजिस्टेंस में ऐड हो जाएगी, लेकिन ये बहुत कम होती है। अच्छा, और रिवर्स बायस में क्या होगा कि एक और रेजिस्टेंस जो है इसके पैरेलल में आ जाएगी, R-R, और ये RD, ये फॉरवर्ड बायस की है और ये रिवर्स बायस की। तो ये क्या होगी, इनफाइनाइट नहीं होगी, आइडियली तो ये इनफाइनाइट होगी, लेकिन प्रैक्टिकली या कंप्लीट मॉडल के अंदर ये एक बहुत हाई रेजिस्टेंस है, ये मेगा ओम्स के अंदर होगी, ठीक है, जिसकी वजह से आपका जो करंट होगा वो बहुत कम हो जाएगा, माइक्रो में या नैनो में चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट जो एक डायोड होता है ये उसका मॉडल आपका आ गया। अच्छा, फिर उसकी एप्लीकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये सारी आपने पढ़ी हुई है, जस्ट मैं फटाफट इसको रिवाइज आपको करवा दूंगा। हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है डायोड्स की, जो आपने इंटरमीडिएट में भी पढ़ी है, आगे ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। देखना, क्योंकि हमारे अगर आप गौर करें तो जो हमारे वोल्टेजेस आते हैं सप्लाई के, वो AC वोल्टेज होते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट होता है, ठीक है। उसकी एक अलग रीज़न है कि वो ऑल्टरनेटिंग करंट क्यों है, डायरेक्ट करंट क्यों नहीं है, DC क्यों नहीं होता, AC क्यों होता है। AC DC का फ़र्क भी आपको पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वट आर द डिफरेंसेज बिटवीन AC एंड DC, ठीक है। AC इज़ ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, जो कि ऑल्टरनेटर से पैदा होता है, जिसमें वाइंडिंग जब आपकी घूमती है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ठीक है, तो फैराडे लॉ के तहत वोल्टेजेस पैदा होते हैं, ठीक है। और जब वो उसमें फिर होता है कि जब वो पैरेलल आ जाती है तो 0 वोल्ट हो जाते हैं, जब 90 जाती है तो वो मैक्सिमम वोल्ट हो जाते हैं, ठीक है। इस तरह से एक साइनोसाइडल आपकी एक वेव फॉर्म जनरेट होती है। और फिर उसके बाद जो डायरेक्ट करंट होता है वो सिंपल होता है, उसमें प्लस और माइनस, यानी इसको मैं यूँ समझाता होता हूँ कि जो ऑल्टरनेटिंग करंट है उसमें प्लस चेंज होता रहता है। पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होता है कि एक वायर प्लस है, दूसरी नेगेटिव है, उसके बाद नेगेटिव हाफ साइकिल में, नेगेटिव हाफ साइकिल यानी आधे वक्त में वो पॉजिटिव है एक पॉइंट और आधे वक्त में वो नेगेटिव हो जाता है, यानी उसकी जो पोलैरिटी है, क्या कहते हैं इसको, पोलैरिटी, पोलैरिटी प्लस माइनस मीन्स पोलैरिटी, उसकी पोलैरिटी चेंज होती रहती है, तो इसको कहते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। ये हम पहले भी डिस्कस अभी कर चुके थे पिछले लेक्चर में। और जो डायरेक्ट करंट होगा उसकी पोलैरिटी चेंज नहीं होती, मैग्नीट्यूड कम ज़्यादा हो सकता है लेकिन पोलैरिटी नहीं चेंज होनी। जो प्लस है उसने ता दमे मर गई, यानी ख़त्म होने तक, अपनी फौत होने तक जिसे कहते हैं ना, उसने प्लस ही रहना है, और जो माइनस है उसने माइनस ही रहना है। अच्छा, अब उसमें आती है रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन ही होती है AC को DC में कन्वर्ट करना, यानी जो ऑल्टरनेटिंग करंट होगा उसमें जो एक वायर नेगेटिव हो रही होती है ना उसको हम ख़त्म कर देते हैं, हम कहते हैं कि जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव रहे, यानी हाफ वेव। फिर इसमें दो तरह की होती है, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होगा कि जो आधा साइकिल है वो हम क्लिप कर देते हैं, इसमें आपने पढ़ा होगा इससे पहले EDC में, क्लिपर, दो सर्किट्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं डायोड्स के, क्लिपर और क्लैंपर। तो क्लिपर में क्या होता है कि क्लिपर में हम क्लिप कर देते हैं एक साइकिल को, और एक होता है क्लैंपर। क्लैंपर में क्या होता है कि हम उसमें DC ऑफसेट ऐड करते हैं, ये कल भी हमने डिस्कस किया था कि एवरेज वैल्यू, ये देखें सारे कॉन्सेप्ट मैं आपके क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि आगे ECD के अंदर ये चीज़ें यूज़ होनी है, तो वहाँ पे आपकी ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। तो क्लैंपर क्या करता है कि DC ऑफसेट उसमें ऐड करता है, यानी DC वैल्यूज़ के अंदर ऐड कर रहा होता है, या एवरेज वैल्यूज़ में ऐड कर देता है। अच्छा, अब इसमें आप देखें कि जो हाफ वेव रेक्टिफायर होगा उसमें एक वेव जो होगी, एक हाफ साइकिल उड़ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो कितने परसेंट वेव आपकी कन्वर्ट हो गई आउटपुट में, 50%, यानी आप 50% वेव को यूज़ कर रहे होंगे और 50% वेव आपकी ज़ाया हो रही है। जबकि जो फुल वेव रेक्टिफायर है उसमें वो थोड़ा सा एफिशिएंट है, यानी उसमें आप जो नेगेटिव साइकिल होगा ना हाफ साइकिल, उसको फिर उसको भी पॉजिटिव आप बना देते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा हो गया, आपके डायोड ज़्यादा यूज़ होंगे, ठीक है, थोड़ा सा सिस्टम कॉम्प्लेक्स हो जाएगा हाफ वेव की निस्बत, लेकिन आपको बेनिफिट ये होगा कि आपके दोनों के दोनों नेगेटिव साइकिल्स आपको आप यूज़ कर लेंगे उनको, ठीक है। तो इसकी एफिशिएंसी उससे ज़्यादा है, ये हम आगे देखते हैं। अब हम एक देखते हैं जो एप्लीकेशन है उसमें हम देखेंगे AC वोल्ट होते हैं जो 110 वोल्ट अमेरिका के अंदर, पाकिस्तान में ये 220 हैं, 230 भी होते हैं, 230 220 कह रहे हैं, 230 वैसे है स्टैंड, और 50 हर्ट्ज़ हमारे पास यूज़ होते हैं, यहाँ पे 60 हर्ट्ज़ और 110 वोल्ट है। तो ये पहले रेक्टिफाई होगी, AC DC में कन्वर्ट होगी, फिर ये फ़िल्टर होगी, फिल्टर जो होता है ना ये लो पास फिल्टर लगा होगा। लो पास फिल्टर मीन्स जो लो फ्रीक्वेंसीज को, लो फ्रीक्वेंसीज कौन सी होती हैं, DC,
जो कि डीसी की फ्रीक्वेंसी जीरो होती है ना, तो लो फ्रीक्वेंसी को इसने पास करना है, लेकिन इसमें स्टिल रिपल आ जाते हैं कैपेसिटर की वजह से, रिपल्स, यानी इसमें फिर भी कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स रह जाते हैं जो जीरो के आसपास वाले होते हैं। फिर उसको भी रिमूव करने के लिए आप अच्छा फिल्टर लगा लें, ठीक है, जो अच्छा फिल्टर लगा सकते हैं। उसके बाद आता है रेगुलेटर। रेगुलेटर का क्या काम होता है कि उसने बिल्कुल स्मूथ कर देना है, जैसे अभी हमने जीनर को मैंने डिस्कस किया था आपके साथ और 7805 7812 बताया था, तो रेगुलेटर ने क्या कर रहा है, जो रिपल्स आ रहे हैं ना हल्के हल्के, उसको भी ख़त्म करके उसने एक स्मूथ वोल्टेज दे देना है। अच्छा, रेगुलेटर का फिर एक रूल होता है 3 वोल्ट का, यानी अगर इसके इनपुट पे जो है ना, अगर आपको 5 वोल्ट का रेगुलेटर लगाना है ना, तो उसके इनपुट पे आप कम से कम 8 वोल्ट दें, 8 वोल्ट्स। अगर आपने 12 वोल्ट का रेगुलेटर लगाना है तो कम से कम इसके इनपुट पे आप 15 वोल्ट दें, यानी 15 वोल्ट्स फ्लक्चुएटिंग इसमें होने चाहिए। तो ये 3 वोल्ट का इसका रूल आपने याद रखना है, ठीक है, रेगुलेटर्स के अंदर। और फिर उसके आगे आपने लोड लगाया हुआ है। लोड क्या होता है, लोड से क्या मुराद होता है, लोड से मुराद होता है कि कंज्यूमर, आप इसको यूँ समझ लें कि सोर्स आपका जो है वो आप समझ सकते हैं कि आपके फादर आपका सोर्स है जो आपको पैसे देते हैं, और आप लोड है जो उनके पैसे खर्चते हैं और ज़ाया करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप सोर्स और लोड को समझ सकते हैं कि सोर्स एनर्जी प्रोड्यूसिंग एक एलिमेंट है सर्किट का। देखें सर्किट क्या होता है, सर्किट में एक सोर्स होता है, एक लोड होता है और कनेक्शन होता है, 3 चीज़ें हैं, सोर्स, लोड और कनेक्शन। सोर्स होना चाहिए, लोड होना चाहिए और कनेक्शन होना चाहिए, ये 3 चीज़ें हो गई तो आपका जो है ना वो एक सर्किट कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, तो हाफ वेव रेक्टिफायर, अब हाँ वापस आते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर ये बहुत ही सिंपल सा रेक्टिफायर एक डायोड से बन जाता है। जस्ट एक डायोड लगाएं, एक एसी लगाएं, और इसमें क्या होगा कि जो पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा इसमें ये फॉरवर्ड बायस्ड हो जाएगा, क्योंकि एनोड विल बी एट हायर पोटेंशियल दैन दी कैथोड, जो कि ग्राउंड है। तो उसमें वैसे आइडियली ये 0.7 से शुरू होगा ना, क्योंकि 0.7 इसके अंदर वोल्टेज होंगे। जब जब ये वोल्टेज 0.7 से ऊपर जाएगा तो फिर ये इसकी जो है ना वो फॉरवर्ड कंडक्शन शुरू होगी। अच्छा, तो खैर अभी आइडियल पे ही रहते हैं। आइडियल डायोड ने पूरा का पूरा साइकिल कंडक्ट कर दिया। अच्छा, नेगेटिव साइकिल उसने ख़त्म कर देना है, क्लिप कर देना है, इसे क्लिपर सर्किट भी बोलते हैं, क्लिपर है ये है नेगेटिव क्लिपर, जो कि नेगेटिव साइकिल को जो है वो क्लिप कर रहा है। अच्छा, अब T0 से लेकर T1 तक, अब T1 से T2 तक क्या होगा कि T1 से T2 तक T1 यानी ये वाला पॉइंट क्या होगा, इट विल बी एट हायर पोटेंशियल, सॉरी इसका जो जो एनोड है इट विल बी एट लोअर पोटेंशियल। देखें ये नेगेटिव पे जा रहा है तो ये जीरो है, तो ये नेगेटिव हो रहा है, नेगेटिव यानी आपका जो कैथोड, इसका जो कैथोड है इट विल बी एट हायर पोटेंशियल दैन दी एनोड, यानी अगर आपका कैथोड एनोड से हायर पोटेंशियल पे होगा तो वो रिवर्स बायस्ड होगा, तो उसमें आप देखें 0 एम्पेयर शो कर रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली क्या होगा, कुछ ना कुछ करंट इसमें से लीकेज करंट फ्लो कर रहा होगा। तो ये देखें ये एक हाफ वेव रेक्टिफायर है जिसमें आप हाफ वेव को रेक्टिफाई करते हैं, लेकिन ये एक इनएफिशिएंट सर्किट है जिसमें आपकी सिर्फ 50% पावर आप यूज़ करते हैं और 50% आपकी ज़ाया हो रही है। अच्छा, अब इसके ज़रा मैथमेटिकल कैलकुलेशंस क्या हैं कि एवरेज वैल्यू जो हम डिस्कस कर चुके हैं इसका बेसिकली क्या होता है, ये फार्मूला है, और इस तरह भी आप देख सकते हैं एरिया अंडर द कर्व डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ द बेस, यानी एरिया अंडर द कर्व, ठीक है, डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ द बेस, या आप 1/टाइम पीरियड, 1/कैपिटल T जो कि 2π है, और उसको इंटीग्रेट करें 0 से लेकर 2π तक, लेकिन आपके पास लिमिट्स क्या आएंगी, पाई, क्योंकि पाई से 2π तक वैसे जीरो है। ये आउटपुट वोल्टेज है, आउटपुट ये जो वेव फॉर्म है इसकी इंटीग्रेशन आप कर रहे हैं, ठीक है, तो ये 0 से लेकर पाई तक Vp sin of थीटा, ये Vp sin of थीटा, पी इज द पीक वैल्यू, ठीक है, साइन ऑफ थीटा की इंटीग्रेशन आप कर लें, ठीक है, क्या हो जाएगी, साइन थीटा की इंटीग्रेशन आएगी -cos थीटा, क्योंकि -cos थीटा का अगर आप डेरिवेटिव लें तो वो sin थीटा बनता है, तो इंटीग्रेशन डेरिवेटिव्स आपको क्लियर होना चाहिए, Vp/2π इंटू -cos of थीटा। तो अब चूंकि ये इंटीग्रेशन लिमिट्स वाली है तो आप 0 से π लिमिट्स पुट कर देंगे, ठीक है, और इसमें पहले cos of π आ जाएगा, फिर -(cos of 0) आ जाएगा, और माइनस बाहर लेंगे, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2Vp/2π Vp/π, ठीक है, या 0.318 Vp, यानी 0.318 का मतलब है 31.8%, यानी आपने 100 में से सिर्फ 31.8% जो उसका वोल्टेज है आपने हासिल किया है, जो इनपुट है उसका सिर्फ 31% आपने यूज़ किया है अपनी आउटपुट पे, ठीक है, ये एक इनएफिशिएंट सर्किट है। अब उसके मुकाबले में फुल ब्रिज रेक्टिफायर में क्या होता है कि इसमें इसमें नंबर ऑफ डायोड्स आप ज़्यादा यूज़ करते हैं, 4 डायोड्स यूज़ करते हैं, एक ब्रिज बनाते हैं,
ठीक है, उसको ब्रिज रेक्टिफायर भी बोलते हैं। अब तो खैर बने बनाए ब्रिज आते हैं, आप चार डायोड से भी बना सकते हैं, एक ब्रिज बना बनाया आप ले सकते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं। उस पर चार पॉइंट्स होते हैं, प्लस माइनस और एसी के दो पॉइंट होते हैं, जिसपे आप एसी वोल्टेज, एसी पे पोलैरिटी की नहीं होता मसला, एसी की पोलैरिटी चेंज हो सकती है, लेकिन डीसी की जो पोलैरिटी है वो उसका ख्याल करना होता है आपने। अच्छा, अब ये एक ब्रिज है, अब इसमें देखें ये दो पॉइंट्स क्या है, एसी के पॉइंट्स हैं, और बाकी ये जो इनके सेंटर वाले ये दो पॉइंट्स हैं, ये आपके जो हैं वो डीसी के पॉइंट्स हैं। अब इसमें पता क्या होगा, इसमें जो प्लस वाला पॉइंट है ना, इसने हमेशा प्लस ही रहना है, ठीक है, लेकिन ये वाला पॉइंट पहले ये प्लस होगा, माइनस होगा, फिर हाफ साइकिल के बाद ये माइनस हो जाएगा, नीचे वाला प्लस हो जाएगा, लेकिन फुल ब्रिज ये चूँकि रेक्टिफायर है ना, डीसी में कन्वर्ट कर, तो डीसी में प्लस प्लस रहेगा, माइनस माइनस रहेगा। तो अब इसमें आप देखें कि फर्स्ट हाफ साइकिल कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, वो फर्स्ट हाफ साइकिल कन्वर्ट हो गया, और सेकंड हाफ साइकिल भी आप इसमें यूटिलाइज कर रहे हैं। वो कैसे करेंगे जी, आपको पता है कि फर्स्ट हाफ साइकिल में क्या होगा कि प्लस आएगा, यहाँ पे डी टू कंडक्ट करेगा, ठीक है, और इसमें चूंकि नेगेटिव है तो आपका डी थ्री कंडक्ट करेगा, तो आपका पाथ यूँ बन जाएगा, डी वन, डी टू और डी थ्री, ये देखें डी टू और डी थ्री। अच्छा, अब इसमें जो करंट, ये जो ये आउटपुट वोल्टेज है, करंट नहीं है, करंट कैसे निकालेंगे आप, वी वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, यानी इन दोनों को अगर आप डिवाइड कर लेंगे तो करंट आ जाएगा, लेकिन ये वेव फॉर्म है, ये वोल्टेज की वेव फॉर्म है, और ये जो डायोड है ये आइडियल डायोड अभी हम कंसिडर कर रहे हैं। अगर ये नॉन आइडियल होता ना, तो इसमें पता क्या होना था, 0.7 माइनस होने थे, ये वाले 0.7 भी माइनस होने थे, यानी इसमें आप कह लें कि 1.4 आपका जो है ना वो माइनस हो जाना था इसमें से, क्योंकि दोनों डायोड सीरीज में है, ठीक है, तो एक मेन सप्लाई हो जानी थी और दो अपोजिंग सप्लाई हो जानी थी, ठीक है, लेकिन चूंकि ये एक आइडियल हम कंसिडर कर रहे हैं, आइडियल में कोई भी फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता, तो इस वजह से ये जस्ट जो है ना ये यहाँ पे शो कर रहा है वेव फॉर्म में Vm। अच्छा, नेक्स्ट जो नेगेटिव हाफ साइकिल होता है ना, उसमें क्या होगा कि आपका ऊपर वाला नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ये इनपुट साइड है और ये आपकी आउटपुट साइड है, यानी इनपुट साइड आपकी क्या है, ये सारी इनपुट साइड है आपकी, ठीक है, और आपकी आउटपुट साइड क्या है, ये आपकी आउटपुट है, यहाँ से आप आउटपुट ले रहे हैं। अच्छा, इसमें आप देखें, इसमें जब आपका नीचे प्लस ऊपर माइनस होगा तो आपका डी फोर कंडक्ट करेगा, ठीक है, यहाँ पे प्लस जब होगा डी फोर कंडक्ट करेगा, और यहाँ जब माइनस होगा तो आपका डी वन कंडक्ट करेगा, ठीक है, तो अब आपका पाथ यूँ बन जाएगा, यूँ, ठीक है, तो अब भी आप देखें कि करंट कहाँ से गुजर रहा है, करंट आपका प्लस वाले से होता हुआ जाए, यानी जो प्लस है वो प्लस ही रहेगा, इसलिए इसको हम डीसी बोलते हैं, लेकिन आप देखें कि ये डीसी किस तरह का है, इस डीसी में रिपल्स हैं, इसको क्या बोलते हैं, रिपल, जिसको हम दूर करते हैं, यानी इसमें फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं, इसमें आप कहने के हार्मोनिक्स हैं, तो इन हार्मोनिक्स को हम रिमूव करेंगे, कैसे करेंगे, आप फिल्टर लगाएंगे, कौन सा फिल्टर लगाएंगे, लो पास फिल्टर लगाएंगे, ठीक है, लो पास फिल्टर, ये हम फिल्टर भी इसमें डिस्कस करेंगे। वैसे स्टार्ट तो मुझे कोर्स फिल्टर से ही करना चाहिए था, लेकिन चूंकि बेसिक्स को मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूँ, इसलिए जो है ना ये फिल्टर आ जाएंगे जल्दी इंशाल्लाह, तो पहले लेकिन हमें थोड़ा सा जो है वो बेसिक को करना पड़ेगा, बेसिक हम बस कर लें जल्दी से फटाफट। तो ये आपका जना फुल वेव रेक्टिफायर है, अब देखें इसमें ये ज़्यादा एफिशिएंट है, इसमें आप दोनों साइकिल्स यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें अगर आप इसका एवरेज वैल्यू निकालें उसी फार्मूले से जैसे पहले आपने निकाली, तो ये 2 VP/π हो जाएगी, पहले वाले की क्या थी हाफ वेव की, VP/π, इसकी कितनी है, 2 VP/π, यानी डबल हो जाएगी, यानी वो थी 31.8%, तो ये कितनी है, 63.6%, डबल है, तो ये साइड आपकी इनपुट साइड है और दिस इज़ दी योर आउटपुट साइड, ठीक है, तो ये बड़ा ज़बरदस्त एक सर्किट है, ये आपको मैंने जब इंजीनियरिंग कर रहा था तो हमने ये पहले सेमेस्टर में बनाई थी ये वाली सप्लाई, तो ये मस्ट है, ये आपने लाजमी अगर अब तक नहीं बनाई तो इसको बना के देखें, ये तो बहुत बेसिक है। अब तो स्विच मोड पावर सप्लाई आ गई है, वो भी मैंने बनाई हुई है अपनी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के कोर्स में, तो जब आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे तो उसमें आप SMPS बनाएं, स्विच मोड पावर सप्लाई, हाई फ्रिक्वेंसी वाली जो सप्लाई होती है ना वो बनाएं। देखिए इसमें आप क्या कर रहे होंगे, ये 220 आ रहे होंगे ना, इसमें आप पहले ट्रांसफार्मर लगाएंगे, ट्रांसफार्मर को स्टेप डाउन करके जो है ना आप इसको पहले ले आएंगे कोई तकरीबन 20 वोल्ट तक, जो है ना 20 या 18 वोल्ट तक, RMS तक ले आएंगे। अच्छा, इसमें हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर लिया था कि RMS, इसके जो 220 वोल्ट्स होते हैं ना, ये वाले 220 या 230, ये RMS होते हैं, ये पीक नहीं होते, जो साइन वेव की पीक है, पीक वैल्यू क्या होगी, √2 × RMS, यानी 1.41, जो कि तकरीबन 314 वोल्ट, शायद 314 आप कैलकुलेट कर सकते हैं तकरीबन बन जाएंगे, यानी जो साइनोसाइडल वेव जो घरों में आ रही है ना, जो 220 वोल्ट्स की अगर आप कहें, 220 कहें, तो उसको उसकी जो पीक वैल्यू होगी ना
वो अंडर रूट टू से आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे आरएमएस को, तो उससे आपकी पीक वैल्यू निकल आएगी। और इसी तरीके से अगर आपको पीक वैल्यू दी हो और आपने आरएमएस निकालनी हो, तो आप उसको अंडर रूट टू से डिवाइड करेंगे, यानी उसकी 70% जो है वो निकलती है। और हमने पढ़ा भी हुआ है कि आरएमएस वैल्यू की डेफिनेशन ये होती है कि जितना हीटिंग इफेक्ट डीसी वैल्यू से पैदा होता है, उतना ही हीटिंग इफेक्ट आरएमएस वैल्यू से पैदा होता है। यानी 5 वोल्ट डीसी से उतना ही हीटिंग इफेक्ट पैदा होगा जितना 5 वोल्ट आरएमएस से हीटिंग इफेक्ट पैदा होगा। ये हमने कल लास्ट लेक्चर में जो है वो डिस्कस किया था। अच्छा, फिर ये पावर सप्लाई जो अभी मैंने आपको बताया था, पहले आप क्या करोगे कि इसको स्टेप डाउन करोगे, स्टेप डाउन करके उसको रेक्टिफाई करोगे, रेक्टिफाई करके उसको फिल्टर करोगे, फिल्टर करके उसको रेगुलेट करोगे। और आपने ये इंश्योर करना है कि अगर 5 वोल्ट आपको आउटपुट पे चाहिए, तो जो ट्रांसफार्मर वगैरह की डिज़ाइनिंग आपने इस तरह से करनी है कि कम से कम 8 वोल्ट से ज़्यादा ही आपको मिल रहे हों, यानी आपको रेगुलेटर के पीछे 8 वोल्ट से ज़्यादा होने चाहिए। यानी अगर आपके 8 वोल्ट से ज़्यादा हो, ताकि क्योंकि आपको आउटपुट पे 5 वोल्ट चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी डीसी सप्लाई, आप देखें कि ये इनपुट है आपकी एसी, ये ट्रांसफार्मर से आपने उसको स्टेप डाउन किया। दो तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं, स्टेप अप होता है, स्टेप डाउन होता है। तो ये आप स्टेप डाउन कर रहे हैं, फिर आप उसको रेक्टिफाई कर रहे हैं, यानी इस एसी को डीसी, ये यहाँ पे इसने हाफ वेव रेक्टिफायर शो किया हुआ है, आप फुल वेव यूज़ करें, ठीक है। फिर आपने फ़िल्टर लगाया, ठीक है। फ़िल्टर के बाद आप नॉर्मली एक कैपेसिटर लगा देते हैं इधर, लो पास फिल्टर ना कैपेसिटर, और अगर इंडक्टर लगा दें वो हाई पास फिल्टर होता है, ठीक है। और अगर आपने बैंड पास लगाना है, तो आप एलसी फिल्टर दोनों को कंबाइन कर देते हैं, वो बैंड पास फिल्टर हो जाता है। फिर एक होता है बैंड स्टॉप फिल्टर, कि जिसमें आप जो है वो यानी अगर आप आरएलसी सर्किट है आपका, और अगर आप आउटपुट रेजिस्टेंस के अक्रॉस ले रहे हैं, तो वो बैंड पास फिल्टर होता है। और अगर आप आउटपुट इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों के अक्रॉस ले रहे हैं, तो वो बैंड स्टॉप फिल्टर बन जाता है, जैसे जैमर होता है। जैमर भी क्या करता है, खास फ्रिक्वेंसी बैंड को ब्लॉक कर देता है, ठीक है। उसके पीछे वाली भी जाने देता है, उसके आगे वाली भी जाने देता है, लेकिन उस रीजन में जो आती है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी तक, ये हम फिल्टर्स में सारा ना आगे डिस्कस करेंगे। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होती है, -3 dB पॉइंट क्या होता है कि जिसके अंदर पावर आपकी 50% रह जाती है, या -3 dB रह जाती है। तो ये डीबीज क्या होते हैं, डेसीबल्स क्या होते हैं, ये सारे हम फिल्टर्स में डिस्कस करेंगे। तो फिल्टर लगाएंगे आप, फिल्टर के बाद आप एक रेगुलेटर लगाएंगे, रेगुलेटर के बाद आप आगे लोड लगा देंगे, ठीक है। अब चूंकि ये हाफ वेव रेक्टिफायर है, तो आप देखें इसकी एवरेज वैल्यू क्या बन रही है, बहुत कम है, 31.7%, 31.6% के करीब जो है ना, ये एवरेज वैल्यू, ये होती है एवरेज वैल्यू, जो मैं कल आपको बताना चाह रहा था, एवरेज वैल्यू, या डीसी ऑफसेट भी इसे कहते हैं, ठीक है। तो एक जो साइन वेव है, जैसे ये साइन वेव है, इसकी एवरेज वैल्यू क्या है, 0, कि जितनी ऊपर है उतनी नीचे है, इसकी एवरेज वैल्यू क्या है, 0। हाँ, अगर आप इसको क्लैंप कर दें, इसको ऊपर उठा दें वेव को, तो ऊपर का साइकिल ज़्यादा हो जाएगा, नीचे का साइकिल कम हो जाएगा, तो उसके में डीसी ऑफसेट आ जाएगा, यानी डीसी ऑफसेट पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर इसको नीचे कर दें आप, तो इसमें डीसी ऑफसेट नेगेटिव हो जाएगा। तो ये एक एग्जांपल थी। अच्छा, आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन है कि हाफ वेव रेक्टिफाई हुआ हुआ है, एक वेव फॉर्म हाफ वेव रेक्टिफाइड है, तो इसकी एवरेज वैल्यू निकालने, एवरेज वैल्यू क्या होगी, डीसी वैल्यू यहाँ पे। तो आपको फार्मूला पता है, वीपी ओवर पाई, वीपी क्या है, 50 वोल्ट, जो हमारे घरों की होगी, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर, वो 220 वोल्ट्स होंगे, लेकिन यहाँ पे कितने आ रहेंगे, 314। ये क्या है, 50 वोल्ट इसकी पीक वैल्यू, ये आरएमएस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू रखनी, पीक रखनी है, आरएमएस नहीं रखनी। तो वीपी ओवर पाई, पीक कितना है, 50 वोल्ट, और जो एसी घरों की है उसमें कितना होगा, 314 या 324, उसमें से कोई एक टर्म है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वीपी ओवर पाई जो कि 15.9 वोल्ट, यानी 50 वोल्ट से आपको कितने मिले, जस्ट एवरेज, एवरेज आपको डीसी कितना मिल रहा होगा, 15.9 वोल्ट। अगर आप फुल वेव रेक्टिफाइड करेंगे, तो ये डबल हो जाएगा, यानी ये 16 गुना 32, ये 31 के करीब करीब जो है तकरीबन आ जाएगी आपकी वैल्यू, 31-32 के दरमियान। अच्छा, एक होता है पीक इनवर्स वोल्टेज, ये भी टर्म जब हम डिज़ाइन करते हैं डायोड के सर्किट्स, उसमें यूज़ होती है पीक इनवर्स वोल्टेज। देखिए कुछ भी नहीं है, PIV एक टर्म है, पीक इनवर्स वोल्टेज के इनवर्स जो वोल्टेज है, जब डायोड रिवर्स बायस होगा, तो उसके अक्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज कितने आते हैं, उसको हम बोलते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज। जैसे अगर हम इस सर्किट को देखें, सिंपल जो है, चलिए इसे सर्किट को देख लेते हैं, कि जब ये 1 मिनट, हाँ, अब ये एक डायोड रिवर्स बायस है, ठीक है, ये वाला डायोड, ये रिवर्स बायस, अब इसके अक्रॉस आप देख लें कितने वोल्टेज आ रहे हैं, इसके अक्रॉस जनाब वोल्टेज आ रहे हैं प्लस, और यहाँ से कितने आ रहे हैं, माइनस, यानी सप्लाई वोल्टेज ही आ रहे हैं, यानी इसके अक्रॉस जो मैक्सिमम वोल्टेज आते हैं ना, वो सप्लाई वोल्ट हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं पीक इनवर्स। कई बार एक ऐसी कॉन्फ़िगरेशन होती है, जो सेंटर टैप ट्रांसफार्मर, यानी फुल वेव रेक्टिफायर विद सेंटर टैप ट्रांसफार्मर, उसमें क्या होता है कि उसमें डबल वोल्टेज आ रहे होते हैं डायोड के क्रॉस,
जब वो रिवर्स बायस होता है, तो उसमें पीक एंड बर्स्ट वोल्टेज क्या होता है फिर 2 VP। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने डिज़ाइन कैसे करना है। अगर आपने डायोड ऐसे लगा दिया, ठीक है, जिसका इन्वर्स वोल्टेज जो है वो कम है पीक इन्वर्स वोल्टेज से, तो वो तो कंडक्ट कर जाएगा, आपका सर्किट ख़राब हो जाएगा, तो आपको वो कंडक्ट कर जाएगा। तो हमने ऐसा डायोड यहाँ यूज़ करना है जिसका जो रिवर्स वोल्टेज है उसकी वैल्यू ज़्यादा ही हो, जो सर्किट की वैल्यू है उससे ज़्यादा हो। आमतौर पर डबल रखी जाती है, यानी अगर इसका पीक इन्वर्स वोल्टेज फॉर एग्जाम्पल है 50 वोल्ट, ठीक है, 50 वोल्ट हैं, तो हम जो डायोड लगाएंगे वो नॉर्मली डबल का लगा देंगे, यानी 100 वोल्ट बल्ब लगा देंगे, ताकि यहाँ पे उससे वो कंडक्ट ना करे किसी भी सूरत में ना। तो इसको बोलते हैं पीक इन्वर्स वोल्टेज। अच्छा, यहाँ पे एक बुक में बता रहे हैं, फ्लॉइड की बुक में बता रहे हैं कि ए डायोड शुड बी रेटेड एटलीस्ट 20% हायर देन दी PIV, लेकिन इंडस्ट्री में या हम वैसे यूज़ में जो है ना इसको डबल ही रखते हैं, डबल से, और टू बी ऑन द वेरी सेफ साइड। कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ जाती है उससे, लेकिन टू बी ऑन द वेरी सेफ साइड। अच्छा, फाइंड दी एवरेज वैल्यू ऑफ द फुल वेव रेक्टिफाइड वोल्टेज, ये भी सिंपल है, 2 VP/2 से आप इसकी एवरेज वैल्यू निकाल सकते हैं। अच्छा, अब थोड़े से न्यूमेरिकल्स की तरफ आते हैं कि इसको न्यूमेरिकल एनालिसिस हमने कैसे करना है। हमने कॉन्सेप्ट देखने हैं डायोड के, ये भी देख लिया जी इसको प्रैक्टिकली हमने कैसे यूज़ करना है, फिर जो कॉन्सेप्ट हैं सर्किट के प्रैक्टिकली जो है उसके सर्किट में क्या क्या इश्यूज़ आ सकते हैं। तो अब हम इसकी जो है वो डायोड के सर्किट का थोड़ा मैथमेटिकल एनालिसिस जो है वो अभी हम देखेंगे। नाउ इन द नाउ वी विल डिस्कस द मैथमेटिकल इक्वेशंस इन द सर्किट दैट आर यूज्ड, बिकॉज इंजीनियर्स जो हैं हम, हमें मैथमेटिकली एक सर्किट को एनालाइज करना आना चाहिए। तो हमारी जो मैथमेटिक्स है वो हमारी जिसे कहते हैं कि बेस है, ठीक है। अगर हमें मैथमेटिक्स नहीं आता, अगर हम किसी सर्किट को मैथमेटिकली एनालाइज नहीं कर सकते ना, तो हम फिर इंजीनियर्स नहीं हैं। मतलब हम वी कैन बी टेक्नीशियंस, बट इंजीनियर वही होता है कि जो सर्किट को समझता हो, ठीक है, उस पर काम भी कर सकता हो प्रैक्टिकली, साइकोमोटर जिसे स्किल कहते हैं लैब के अंदर, और उसको मैथमेटिकली भी एनालाइज कर सकता हो। तो बड़ा आसान है, इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। अगर आपने उस लेक्चर को समझा, इससे पिछले वाले लेक्चर को, कैपेसिटर, इंडक्टर और रेजिस्टर वाला लेक्चर जो मैंने दिया, तो उसके बाद ये आपके लिए कुछ भी नहीं है, कोई मसला नहीं है। इक्वेशंस बहुत आसान है, बस वो चंद फार्मूले हैं जो आपने यूज़ करने हैं हर मरतबा। अच्छा, अब इसमें एक क्वेश्चन है, ये देखें, जैसे एक सर्किट है आपका, ठीक है, इसमें सप्लाई है और एक लोड है, ठीक है, और साथ में जो है आपके एक डायोड लगा हुआ है, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये एक RC सर्किट जो है, खैर ये शो कर रहा है कि एक सर्किट है, एग्जांपल के तौर पे ये एक RC सर्किट है, जिसमें आप क्या कर रहे हैं कि आप चार्जिंग कर रहे हैं अपने कैपेसिटर की, ठीक है। एक डायोड लगा हुआ है जो कि सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में कंडक्ट करेगा, ठीक है, और एक रेजिस्टेंस लगी हुई है और एक कैपेसिटेंस लगी हुई है। अच्छा, अब इस सर्किट को हम मैथमेटिकली भी देखेंगे और इस सर्किट को हम वैसे भी एनालाइज करेंगे कि इसमें हो क्या रहा है। तो बेसिकली ये चार्जिंग हो रही है, अगर आप गौर करें, जैसे आप स्विच क्लोज करेंगे तो सप्लाई वोल्टेज इससे भी कैपेसिटर के अक्रॉस आने शुरू हो जाएंगे और कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। अच्छा, शुरू में क्या होगा कि करंट मैक्सिमम होगा, क्योंकि कैपेसिटर पे इनिशियली देखा जाएगा कि कितना चार्ज है। हम अज्यूम करते हैं कि कैपेसिटर पे मतलब वोल्टेज इनिशियली जीरो है, यानी कैपेसिटर आपका फुली डिस्चार्ज कैपेसिटर है, यानी आपको खाली मिला, आपने लगाया रेजिस्टेंस, लगाई डायोड, लगाया और स्विच बंद कर दिया। जैसे आपने स्विच क्लोज करेंगे तो एक करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो शुरू में क्या होगा, जैसे स्विच क्लोज होगा तो आपका कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो जाएगा, यानी उस पर जो है वो करंट आपका फ्लो होगा। अब करंट होगा सप्लाई से आपका कैपेसिटर की तरफ, करंट फ्लो करेगा ना लेफ्ट टू राइट, और इसको चार्ज करेगा, इस पर पोटेंशियल बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा। अब जैसे इस पर पोटेंशियल बिल्डअप होगा, ये अपोज करेगा VS को, ठीक है। तो करंट क्या होगा, करंट हमेशा याद रखिए होता है V1 - V2/R, यानी इस रेजिस्टेंस में से जो करंट होता है ना वो होता है V1 - V2/R, यानी V1 - V2 क्या होता है, डिफरेंशियल वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस, ठीक है, V1 - V2/R, वो करंट इसमें फ्लो करता है। अब शुरू में क्या था कि V2 जीरो था और V1 VS था, तो मैक्सिमम करंट शुरू में फ्लो करेगा, यानी VS/R, और विद द पैसेज ऑफ टाइम ये वोल्टेज बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा, तो V1 - V2 बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो ये करंट आपका कम होना शुरू हो जाएगा, और एक वक्त आएगा जब V2 VS के बराबर हो जाएगा, यानी V1 V2 के बराबर हो जाएगा, तो उस वक्त करंट आपका जीरो हो जाएगा। तो आपका जो करंट की इक्वेशन बनेगी इसको एनालाइज करते हुए, वो इस तरह की कुछ बनेगी आपकी, एक्सपोनेंशियली डिकेइंग, कि शुरू में वो मैक्सिमम होगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो कम होता है। एक्सपोनेंशियल देखें, एक्सपोनेंशियल और साइनोसाइड, यानी ई की पावर के जो फंक्शंस हैं, और साइनोसाइड जो साइन और कॉज होते हैं, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे कि हर जगह जितने भी आपने एनालिसिस पढ़े उनमें यही है, या एक्सपोनेंशियल और साइनोसाइडल्स, तो एक्सपोनेंशियल किस्म की उसकी वेव फॉर्म होगी।
अच्छा, अब दूसरे पे आप आ जाएं कि जो कैपेसिटर का वोल्टेज है वो कैसा होगा। अब कैपेसिटर पे वोल्टेज शुरू में होंगे 0 वोल्ट, ठीक है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता राइज होंगे राइज होंगे, तो वो भी एक्सपोनेंशियल होगा, लेकिन वो राइजिंग एक्सपोनेंशियल होगा, ठीक है। तो ये अब हम देखते हैं इसकी इक्वेजन कैसे बनती है। तो व्हेन द स्विच S1 इज क्लोज एट टी इज इक्वल टू 0, द चार्जिंग करंट दैट फ्लोज थ्रू द कैपेसिटर इज फाउंड फ्रॉम, अब ये आप किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है ना। VS इज इक्वल टू VR प्लस VC, इसको इग्नोर करते हैं, वैसे तो ये होना चाहिए VS प्लस VS1 प्लस VD1, ठीक है। VS इक्वल टू VS1 प्लस VD1 प्लस VR प्लस VC, यानी सोर्स वोल्टेज इज इक्वल टू आगे उसकी कंजम्पशन, ठीक है। लेकिन इनको इग्नोर करते हुए हम जस्ट क्या ले रहे हैं, VR प्लस VC। तो VS इज इक्वल टू VR प्लस VC। अब VC क्या होता है, हमने पढ़ा हुआ है कि करंट थ्रू दी कैपेसिटर क्या होता है, I इज इक्वल टू C इंटू dV बाई dt, और वोल्टेज क्या होता है, 1/C इंटीग्रेशन ऑफ I dt प्लस इनिशियल वैल्यू ऑफ द करंट, जिसको हम जीरो एज्यूम कर रहे हैं इधर। तो इसमें करंट की इक्वेजन आपकी बन जाएगी VS/R इंटू ई रेज टू दावर -t/RC। इसकी डेरिवेशन हमने जो है वो पढ़ी हुई है फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, जो हम लीनियर सर्किट कोर्स पढ़ते हैं उसके अंदर इसकी पूरी डेफिनेशन है इसकी, इसको हमें कैसे, इसके कंट्रोल सिस्टम में भी आप पढ़ेंगे अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा, कि इस इक्वेजन से ये आप कैसे निकालते हैं कि आप लेप्लेस इसका ले, इसको डिफरेंशियल इक्वेजन में पहले कन्वर्ट करेंगे, फिर उस डिफरेंशियल इक्वेजन की आप लेप्लेस ले लेंगे। अगर डिफरेंशियल इक्वेजन का सोल्यूशन जो होता है ना, वो बेसिकली होता है होमोजीनियस सोल्यूशन और नॉन होमोजीनियस, यानी उसमें इक्वल टू जीरो रख के पहले आप निकालेंगे, फिर उसमें जो है इक्वल टू सम फोर्स फंक्शन रख के निकालेंगे, और एंड पे दोनों को जमा कर देंगे। और कंट्रोल सिस्टम में इसको कहते हैं कि जीरो इनपुट रिस्पॉन्स और फोर्स्ड रिस्पॉन्स, ठीक है, नेचुरल रिस्पॉन्स और फोर्स्ड रिस्पॉन्स। तो सोल्यूशन इसका इस तरह का आएगा, जो कि हमने अभी एनालाइज किया था, कि शुरू में कैपेसिटर चूंकि डिस्चार्ज होगा तो मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा, जो कितना होगा VS/R, ओम्स लॉ के तहत। तो VS/R इज द मैक्सिमम वैल्यू, और डिकेइंग होगा ई रेज टू -t/RC, जैसे ही टी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो ये करंट जीरो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, आगे देखते हैं, और इसका जो ये देखें इसकी वेव फॉर्म है इसकी, अच्छा इसमें एक पॉइंट होता है टाइम कांस्टेंट, ठीक है। टाइम कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट होता है, जो कि कंट्रोल में भी आप पढ़ेंगे, टाइम कांस्टेंट इज टॉ, टॉ जो होता है ना वो होता है RC, यानी इसका फॉर्मूला जो इसमें कैपेसिटर में बनेगा R × C, रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय द कैपेसिटेंस। अब टॉ वो टाइम होता है जिसमें आपकी जो चार्जिंग है, अगर तो जीरो से अगर आप देख रहे हैं तो वो 63% हो जाएगी, यानी अगर आप जीरो से पहले हम ऊपर रहते हैं, हम डिस्चार्जिंग पर रहते हैं, कि आपका जो करंट है वो डिके हो रहा है, तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू, तो 63% तक डिस्चार्ज वो कितने में हो जाएगा, तो 63% डिस्चार्ज मीन्स कितनी रह जाएगी उसकी, 37.8%, यानी 36.8%, यानी ये 37% जब करंट रह जाएगा तो उस टाइम को हम कहते हैं टाइम कांस्टेंट, यानी मैक इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू कितनी हो, 63% हो, इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू 63%, इसको कहते हैं टाइम कांस्टेंट। ये है करंट की वेव फॉर्म। अब कैपेसिटर की जो वोल्टेज की वेव फॉर्म होगी वो इस तरह की होगी, शुरू में वोल्टेज जीरो होंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता चार्ज होंगे 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 चार्ज होंगे, और टॉप पे कितने हो जाएंगे, जीरो से 63% हो जाएंगे, 63% ऑफ VS। फिर उसके बाद 2 टॉप, 3 टॉप, 4 टॉप और 5 टॉप, 5 टॉप पे जो ना वो सेटलिंग टाइम होता है, यानी 5 टॉप पे वो सेटल हो जाता है, यानी 98% जो होती है ना VS, यानी अगर ये 10 वोल्ट है तो वो 9.8 वोल्ट हो जाएगी वैल्यू उसकी। तो ये आता है 5 टॉ, 5 टॉ इसको बोलते हैं। तो ये टॉ होता है सेटलिंग टाइम, सॉरी टॉ होता है टाइम कांस्टेंट। तो ये इसके कर्व्स इस तरह के होंगे, VS इज इक्वल टू VR प्लस VC, VR इज इक्वल प्लस 1/C इंटीग्रेशन ऑफ IVDD। तो ये करंट की वेवफॉर्म है, ठीक है। और वोल्टेज की वेवफॉर्म किस तरह की होगी, वोल्टेज की वेवफॉर्म होगी जनाब VS × 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस ई रेज टू दावर दिस करके ना, उसमें 1 माइनस के साथ, क्योंकि उसमें जो स्टेडी स्टेट वैल्यू है वो है VS, ठीक है, VS उसकी स्टेडी स्टेट वैल्यू। ये सारी चीज़ें हम उसमें पढ़ते हैं, जो हमारा जो फर्स्ट सेमेस्टर के जो कोर्सेज होते हैं इंजीनियरिंग के, सर्किट एनालिसिस के, ये सारे इसमें आपने पढ़े होंगे, मैं सिर्फ यहाँ पे आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। हाँ जी, तो ये इक्वेजन, अच्छा जी, अब आते हैं दूसरी तरफ RL सर्किट के अंदर। तो RL सर्किट में क्या होगा कि अच्छा हाँ, कैपेसिटर पे क्या होता है कि कैपेसिटर DC में, हम ये भी कहते हैं कि DC में स्टेडी स्टेट बिहेवियर ये होता है कि वो ओपन हो जाता है, यानी शुरू में कैपेसिटर शॉर्ट होता है, यानी वोल्टेज जीरो होते हैं उस पर, जीरो वोल्टेज का मतलब होता है शॉर्ट होना, कैपेसिटर शुरू में क्या होता है शॉर्ट, और आफ्टर इन स्टेडी स्टेट वैल्यू कैपेसिटर क्या हो जाएगा DC एनालिसिस में, ओपन हो जाएगा। इंडक्टर क्या होता है कि शुरू में ओपन होता है, क्योंकि इंडक्टर में करंट जीरो होता है, जीरो करंट मीन्स ओपन, और स्टेडी स्टेट में क्या हो जाता है कि इंडक्टर शॉर्ट हो जाता है,
ठीक है, उसका करंट जो है वो सर्किट करंट के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो शुरू में अब जैसे अब ये आरएल सर्किट आपका लगा हुआ है, तो इसमें क्या होगा कि शुरू में इंडक्टर में करंट ज़ीरो है, जैसे ही आप स्विच क्लोज करेंगे तो करंट ज़ीरो ही रहेगा, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो करंट चेंज होगा इसके अंदर। ठीक है, और जब स्टेडी स्टेट वैल्यू आएगी तो इसमें ये इंडक्टर क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, इंडक्टर कम्प्लीटली शॉर्ट हो जाएगा। तो उस सर्किट में आप देखेंगे जो इंडक्टर के शुरू के जो वैल्यू है करंट की वो ज़ीरो है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इंडक्टर की, वी एस ओवर आर, यानी वी एस ओवर आर। और इसकी इक्वेशन किस तरह की बनेगी, वन माइनस की फॉर्म में बनेगी, जो वी एस ओवर आर मैक्सिमम वैल्यू इंटू वन माइनस। देखिए वन माइनस क्यों है, क्योंकि इसकी राइजिंग कर्व है, जिस तरह यहाँ पे जो वोल्टेज की कर्व होंगे वो भी वन माइनस की फॉर्म में होगी, और यहाँ पे इंडक्टर के करंट की वेवफॉर्म जो इक्वेशन है वो वन माइनस की फॉर्म है, क्योंकि टी जब इन्फिनिटी को होगा तो ये टर्म जीरो हो जाएगी। ठीक है, और वन माइनस जीरो इज़ वन, तो वी एस ओवर आर रह जाएगा आपके पास। अच्छा, तो अब इसके अंदर जो है इक्वेशन कैसे बना रहा है, वो वी एस इक्वल टू वी एल प्लस वी आर, के वी एल उसने लगाया हुआ है, वी एल प्लस वी आर, वी आर इज़ आई आर, और वी एल क्या होता है ये हमें पता है, एल डी आई बाई डी टी, वोल्टेज अक्रॉस दी इंडक्टर। तो ये इसकी इक्वेशन, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो इसकी इक्वेशन आती है वी एस ओवर आर इंटू वन माइनस ई रेज़ टू द पावर माइनस टी ओवर आर एल। अब ये जो है ना टी आर ओवर एल, ये टाइम कॉन्स्टेंट होता है, टी ओवर टॉ बोलते हैं इसको, टी ओवर टॉ। जैसे इसमें टी ओवर टॉ क्या है, टॉ आर सी है, और इसमें टॉ जो होता है ना वो होता है एल ओवर आर, यानी एल इंडक्टेंस की वैल्यू डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस की वैल्यू। तो जब वन टी ओवर टॉ करेंगे तो वो रिवर्स होकर आपके पास टी आर ओवर एल आ जाएगी। ठीक है, अब इसमें जो इक्वेशन है देखें इसमें, हाँ अब इसमें करंट जीरो से मैक्सिमम होगा, और वोल्टेज जो होगा ना वोल्टेज मैक्सिमम से जीरो हो जाएगा, मैंने क्या होगा सप्लाई वोल्टेज आएंगे उसके क्रॉस, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो क्या होगा इंडक्टर कम्प्लीटली शॉर्ट हो जाएगा। तो ये उसकी जो है वोल्टेज की इक्वेशन बन जाएगी वी एस, और ये एक टाइम कॉन्स्टेंट में 36.8% पर आ जाएगी, यानी 63% डिस्चार्ज हो जाएगी, और ये 63% जो है ये इसका चार्जिंग करंट हो जाएगा। ये देखें इसका टाइम कॉन्स्टेंट इसने शो भी किया हुआ है एन ओवर आर। अच्छा, अब इसमें व्हेन द वेवफॉर्म शो दैट व्हेन टी मच ग्रेटर देन कैपिटल टी, द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर टेंस टू बी जीरो एंड इट्स करंट रीचेस द मैक्सिमम वैल्यू इफ एन अटेम्प्ट इज मेड टू ओपन द सर्किट द स्टोर्ड एनर्जी। अब देखें ये एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट्स है ना, तो इंडक्टर क्या होगा कि इसमें एनर्जी स्टोर हो जाएगी। ठीक है, जब ये शॉर्ट हो जाएगा तो वो होती है इसकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, 1/2 Li² से, और कैपेसिटर में एनर्जी आप कैसे निकालेंगे, 1/2 CV² करके आप निकालेंगे। अच्छा, अब उसकी एक न्यूमेरिकल एग्जांपल उसने दी है कि डायोड सर्किट उसने शो किया हुआ है जिसमें रेजिस्टेंस कितनी है, 44 ओम है, कैपेसिटर आपका 0.1 माइक्रोफेरेड है। ठीक है, द कैपेसिटर हैज़ एन इनिशियल वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट। ठीक, कैपेसिटर पे कितने वोल्ट हैं, 220। अब ये क्वेश्चन है ये एसी है या डीसी है, तो ये भाई डीसी है, एसी नहीं है इसमें जो है वो आप कह सकते हैं, ये डीसी वोल्टेज उसने स्टोर किया हुआ है 220 वोल्ट, इस पर डीसी वोल्टेज आ रहे हैं। अच्छा, इफ एस वन इज क्लोज एट टी इज इक्वल टू जीरो देन डिटरमिन द पीक डायोड करंट, डायोड से पीक करंट कितना। अब जो आपने डायोड लगाना है ना वो इससे डबल रखना है, जितनी भी पीक डायोड की वैल्यू है कि ना आपने डायोड इससे डबल का ही लगाना है, ताकि वो टू बी ऑन द सेफ साइड। फिर एनर्जी डिसिपेटेड इन दी रेजिस्टर एंड कैपेसिटर वोल्टेज एट टी इज इक्वल टू 2 माइक्रो सेकेंड। ये अब हम देखते हैं कैसे निकालेंगे पीक डायोड करंट कैसे निकालेंगे। जैसे आपने इसको क्लोज किया तो क्या होगा कि रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस से तो मैक्सिमम करंट इसमें से फ्लो करेगा, कितना फ्लो करेगा जी, वी नॉट ओवर आर। वी नॉट कितना जी, 220 है, यानी कैपेसिटर अब आपका एज अ सोर्स काम कर रहा है, यानी एज अ बैटरी काम कर रहा है, तो 220/44, तो ये आपके पास आ जाएगा मैक्सिमम करंट, देखें 220/44, 5 एम्पेयर, 5 एम्पेयर करंट इसमें से फ्लो करेंगे। तो डायोड आपने कम से कम यहाँ पे जो है ना वो टू बी ऑन द सेफ साइड 10 वाला लगाना है, 10 एम्पेयर वाला, ताकि आपका डायोड बर्न ना हो। बुक के हिसाब से 20% यानी 1.2 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन टू बी ऑन द सेफ साइड इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, एनर्जी डिसिपेटेड इन द रेजिस्टर आप कैसे निकालेंगे, इसका फार्मूला जो है 1/2 CV² से 0.5 इंटू ये 1/2 है ना, सी सी कितना है आपका, 0.1 माइक्रोफेड इंटू वी नॉट स्केयर 220 स्केयर, तो ये 0.00242 जूल जो कैपेसिटर में एनर्जी होगी ना, वो इतनी एनर्जी जो अब क्या होगी रेजिस्टर में डिसिपेट हो जाएगी, यूज़ हो जाएगी उसके अंदर। अच्छा, फिर उसके बाद कैपेसिटर वोल्टेज एट टी इज इक्वल टू 2 माइक्रो सेकंड पे आपने निकालना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कैपेसिटर वोल्टेज एट टी इज इक्वल टू 2 माइक्रो सेकंड। अब इसका पहले तो टाइम कॉन्स्टेंट निकाला है ना कितना आता है, टाइम कॉन्स्टेंट कैसे निकालेंगे, अब टी इज इक्वल टू टॉ आर सी, यानी 44 को आप मल्टीप्लाई करें 0.1 माइक्रोफेरेड से, तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाता है
ये आपका जगह 4.4 माइक्रो सेकेंड। अब आपसे पूछा जा रहा है 2 माइक्रो सेकेंड, यानी एक टाइम कांस्टेंट से भी पहले, तो ये 63% से जो है वो कम ही डिस्चार्ज अभी हुआ होगा, तो इसका टाइम कांस्टेंट निकाला हुआ है आर सी, यानी 0.1 into 44, 4.4। तो आप इक्वेजन में पुट करें वी सी इज इक्वल टू 220 into e raised by -t over tau। टी की जगह आप 2 माइक्रो सेकेंड रख दें और टॉ की जगह 4.4 रख दें, ठीक है। टी टी जिस भी टाइम पे आपने निकालना ना, वो टी में वैल्यू रख देनी है आपने। तो ये आ गए आपके 139.64, यानी 139.64 वोल्ट आपके 2 माइक्रो सेकेंड पे कैपेसिटर के रह जाएंगे, ठीक है। तो ये हमने इसको मैथमेटिकली, अब हम क्या करेंगे, वोल्ट मीटर और स्टॉप वॉच से भी चेक कर सकते हैं कि स्टॉप वॉच आप लगाएं वहाँ पे, या सॉफ्टवेयर से, अगर आप सॉफ्टवेयर में सिमुलेशन कर रहे हैं तो 2 माइक्रो सेकेंड के बाद आप कैलकुलेट कर सकते हैं, वो इतने ही वोल्टेज आएंगे। और मैथमेटिकली आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर में भी सारे यही फॉर्मूले लगे होते हैं जो जिससे कैलकुलेशंस हो रही होती हैं। तो अब तक के लिए हमने आज जो है वो जो डिस्कस किए हैं वो डायोड्स हमने डिस्कस किए हैं, उसके फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस जो है डिस्कस किए, फिर उसके हमने प्रोटेक्शन उसके एप्लीकेशंस देखे हैं, जिसमें रिवर्स पोलैरिटी एप्लीकेशन थी, जीनर डायोड एप्लीकेशन थी, फिर हमने फुल वेव रेक्टिफायर हाफ वेव रेक्टिफायर देखे, फिर हमने उनके प्रैक्टिकल एनालिसिस जो है वो देखा, ठीक है। फिर हमने पावर सप्लाई देखी, और पावर सप्लाई के बाद हमने जो है उसके जो है आरसी सर्किट आरएल सर्किट्स उनके जो है वो प्रैक्टिकली हमने मैथमेटिकली उनको एनालाइज किया, और प्रैक्टिकली भी उसको एनालाइज किया कि एक्चुअल में हो क्या रहा होता है और इक्वेशंस हमें क्या शो कर रही होती हैं। तो आज के लिए ECD के कोर्स में, चूंकि ये एक रिवीजन अभी चल रही है, तो रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से आज के लिए फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह ताला ट्रांजिस्टर्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे, उसके सारी टाइप्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।